क्लाइमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। लिधौरा थाना अंतर्गत ग्राम मरगुबा खेरा सिद्ध बाबा के पास कल रात को करीब 8:30 बजे अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहे 28 वर्षीय युवक की दादा हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की तरह प्रकाश और शुक्ली कुशवा अपने घर से खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए गया था कि रात के समय करीब 8:30 बजे अज्ञात लोगों ने उसकी दादा हथियार से हत्या कर दी। सर, जो मरगवा में जो घटना हुई है सर, इसमें क्या सब चीज़ होता है, मतलब यह हत्या है या आत्महत्या है क्या? अभी जो मरगवा लिधौरा थाने के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी तो वहाँ का भी घटनास्थल मुआयना किया गया है मेरे द्वारा, और अभी प्रथम दृष्टया गर्दन पे घाव आया जिसके कारण मृतक की मौत हुई है, और बाकी पीएम उपरांत यथाशीघ्र और स्पष्ट हो जाएगी। सर, ऐसा कोई पार्टी में होकर कोई हत्या हुई ऐसी? नहीं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे तथ्य जो भी निकलने पूछताछ जारी है। सर, कितने घाव है सर वैसे उस पर? एक घाव है गर्दन में। देखिए, डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी, फिर टीआई साहब के द्वारा मुझे बताया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पूरी टीम हमारी वहां पे पहुंची थी, कोहरा ज्यादा था। वहां पे जो डेड बॉडी हमें मिली है वो प्रकाश उर्फ शुक्ली, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, और ये मरगवा गाँव का रहने वाला है, थाना लिधौरा अंतर्गत। और फिर उसके बाद में डॉग स्क्वाड, FSL टीम, सारे लोग पहुंचे हैं, उसकी विस्तृत बिंदुओं के आधार पर जांच की जा रही है, और जो भी फैक्ट्स आएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या है ये हत्या है क्या है? हाँ, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है और मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी कोई ज्ञात नहीं है कि किसने ये गलत इंटेंशन के साथ में गड़बड़ किया है, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे भी फैक्ट्स आएंगे आप सबको अवगत कराया जाएगा। सर, जो हत्या हुई है वो क्या पार्टी किस पे हुई है, पार्टी के बीच में हुई है या किसी सुनियोजित तरीके से हुई है? अब ऐसा तो बहुत अभी क्लियर नहीं है, अभी उन्हीं बिंदुओं पे हम विस्तृत पूछ रहे हैं, जैसा क्लियर होगा जैसा मैंने आपको बताया अवगत कराएंगे, और जो हमें जिस पे डाउट लग रहा है या जो लास्ट सीन है उनसे हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, जैसा किस उससे हथियार से हुआ ये घटना स्थल से। अभी तो शार्प औजार हमें मिला हुआ है जिसको हमने जब्त भी किया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि FSL टीम, उन सब लोगों ने भी अपने अपने अभिमत दिए हैं, तो अभी और बिंदुओं पे जांच की जा रही है। बॉडी स्ट्रक्चर सर? बॉडी स्ट्रक्चर से मतलब गर्दन पे, गर्दन पे शार्प औजार से कुछ गहरा चोट लगी हुई है, कटा हुआ है। एक ही घाव है क्या? और कई घाव हैं, और सारी चीजें अभी जब पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर उसमें और विशेष रूप से लिखेंगे।